वसीम अख्तर के घर के साथ खाली प्लॉट को पहला डंपिंग स्टेशन बनाने का ऐलान। राबता कमेटी भी वसीम अख्तर से नाराज हो गई। पाकिस्तान कश्मीर के लिए हर हद और सतह तक जाएगा। अवाम, हुकूमत और फौज आखिरी सांस तक साथ हैं। भारत ने अपना आखिरी पत्ता खेल लिया, अब जो करेंगे हम करेंगे। एटमी जंग के असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी पर वाज़े कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद कश्मीर पर जौहरी जंग छिड़ सकती है। जौहरी जंग हुई तो लाखों अफराद जान से जाएंगे। ये अंदरूनी मामला नहीं, दुनिया के अमन व इस्तेहकाम का मामला है। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन चौथे हफ्ते में दाखिल, 22 रोज बीत गए। 90 लाख कश्मीरी घरों में कैद, खुराक और अद्वियात की किल्लत, बच्चे दूध के लिए बिलकने लगे। चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का जीएचक्यू का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी जनरल की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कश्मीर और अहम मामलों पर चीन की हिमायत को सराहा। आसिफ जरदारी को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन को जेल में डाल दिया। नियाजी का हर वादा झूठा निकला, हर बात पर यू टर्न लिया। बिलावल भुट्टो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। कहा इमरान खान ने ट्रंप से मिलकर कश्मीर पर सौदेबाजी की। हेड कोच की दौड़ में डी जॉन्स और क्वांटी वॉश के बाद मिसबाह उल हक भी शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। क्रिकेटर इजाज अहमद अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। और कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम की दावत वलीमा, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की शिरकत। तकरीब में अहले खाना, रिश्तेदार और क्रिकेटर्स ने भी शिरकत। पाकिस्तान कश्मीर के लिए हर हद और सतह तक जाएगा। अवाम, हुकूमत और फौज आखिरी सांस तक साथ हैं। भारत ने अपना आखिरी पत्ता खेल लिया, अब जो करेंगे हम करेंगे। एटमी जंग के असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी पर वाज़े कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद कश्मीर पर जौहरी जंग छिड़ सकती है। जौहरी जंग हुई तो लाखों अफराद जान से जाएंगे। ये अंदरूनी मामला नहीं, दुनिया के अमन व इस्तेहकाम का मामला है। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन चौथे हफ्ते में दाखिल, 22 रोज बीत गए। 90 लाख कश्मीरी घरों में कैद, खुराक और अद्वियात की किल्लत, बच्चे दूध के लिए बिलकने लगे। चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का जीएचक्यू का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी जनरल की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कश्मीर और अहम मामलों पर चीन की हिमायत को सराहा। आसिफ जरदारी को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन को जेल में डाल दिया। नियाजी का हर वादा झूठा निकला, हर बात पर यू टर्न लिया। बिलावल भुट्टो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। कहा इमरान खान ने ट्रंप से मिलकर कश्मीर पर सौदेबाजी की। हेड कोच की दौड़ में डी जॉन्स और क्वांटी वॉश के बाद मिसबाह उल हक भी शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। क्रिकेटर इजाज अहमद अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। और कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम की दावत वलीमा, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की शिरकत। तकरीब में अहले खाना, रिश्तेदार और क्रिकेटर्स ने भी शिरकत। पाकिस्तान कश्मीर के लिए हर हद और सतह तक जाएगा। अवाम, हुकूमत और फौज आखिरी सांस तक साथ हैं। भारत ने अपना आखिरी पत्ता खेल लिया, अब जो करेंगे हम करेंगे। एटमी जंग के असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी पर वाज़े कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद कश्मीर पर जौहरी जंग छिड़ सकती है। जौहरी जंग हुई तो लाखों अफराद जान से जाएंगे। ये अंदरूनी मामला नहीं, दुनिया के अमन व इस्तेहकाम का मामला है। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन चौथे हफ्ते में दाखिल, 22 रोज बीत गए।
90 लाख कश्मीरी घरों में कैद, खुराक और अद्वियात की किल्लत, बच्चे दूध के लिए बिलखने लगे। चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी जनरल की मुलाकात, आर्मी चीफ ने कश्मीर और अहम मामलों पर चीन की हिमायत को सराहा। आसिफ जरदारी को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन को जेल में डाल दिया, नियाजी का हर वादा झूठा निकला, हर बात पर यूटर्न लिया। बिलावल भुट्टो फिर वजीर आजम इमरान खान पर बरस पड़े, कहा इमरान खान ने ट्रंप से मिलकर कश्मीर पर सौदेबाजी की। हेड कोच की दौड़ में डी जॉन्स और क्वांटी वॉश के बाद मिसबाह उल हक भी शामिल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया, क्रिकेटर इजाज अहमद अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। और कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम की दावत वलीमा, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की शिरकत, तकरीब में अहले खाना, रिश्तेदार और क्रिकेटर्स ने भी शिरकत। पाकिस्तान कश्मीर के लिए हर हद और सतह तक जाएगा, अवाम हुकूमत और फौज आखिरी सांस तक साथ हैं, भारत ने अपना आखिरी पत्ता खेल लिया, अब जो करेंगे हम करेंगे, एटमी जंग के असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने आलमी बरादरी पर वाज़े कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद कश्मीर पर जौहरी जंग छिड़ सकती है, जौहरी जंग हुई तो लाखों अफराद जान से जाएंगे, ये अंदरूनी मामला नहीं दुनिया के अमनो इस्तेहकाम का मामला है, अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन चौथे हफ्ते में दाखिल, 22 रोज बीत गए, 90 लाख कश्मीरी घरों में कैद, खुराक और अद्वियात की किल्लत, बच्चे दूध के लिए बिलखने लगे। चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी जनरल की मुलाकात, आर्मी चीफ ने कश्मीर और अहम मामलों पर चीन की हिमायत को सराहा। आसिफ जरदारी को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन को जेल में डाल दिया, नियाजी का हर वादा झूठा निकला, हर बात पर यूटर्न लिया। बिलावल भुट्टो फिर वजीर आजम इमरान खान पर बरस पड़े, कहा इमरान खान ने ट्रंप से मिलकर कश्मीर पर सौदेबाजी की। हेड कोच की दौड़ में डी जॉन्स और क्वांटी वॉश के बाद मिसबाह उल हक भी शामिल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया, क्रिकेटर इजाज अहमद अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। और कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम की दावत वलीमा, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की शिरकत, तकरीब में अहले खाना, रिश्तेदार और क्रिकेटर्स ने भी शिरकत। पाकिस्तान कश्मीर के लिए हर हद और सतह तक जाएगा, अवाम हुकूमत और फौज आखिरी सांस तक साथ हैं, भारत ने अपना आखिरी पत्ता खेल लिया, अब जो करेंगे हम करेंगे, एटमी जंग के असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने आलमी बरादरी पर वाज़े कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद कश्मीर पर जौहरी जंग छिड़ सकती है, जौहरी जंग हुई तो लाखों अफराद जान से जाएंगे, ये अंदरूनी मामला नहीं दुनिया के अमनो इस्तेहकाम का मामला है, अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन चौथे हफ्ते में दाखिल, 22 रोज बीत गए, 90 लाख कश्मीरी घरों में कैद, खुराक और अद्वियात की किल्लत, बच्चे दूध के लिए बिलखने लगे। चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी जनरल की मुलाकात, आर्मी चीफ ने कश्मीर और अहम मामलों पर चीन की हिमायत को सराहा। आसिफ जरदारी को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन को जेल में डाल दिया, नियाजी का हर वादा झूठा निकला, हर बात पर यूटर्न लिया। बिलावल भुट्टो फिर वजीर आजम इमरान खान पर बरस पड़े, कहा इमरान खान ने ट्रंप से मिलकर कश्मीर पर सौदेबाजी की। हेड कोच की दौड़ में डी जॉन्स और क्वांटी वॉश के बाद मिसबाह उल हक भी शामिल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया,
क्रिकेटर इजाज़ अहमद अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर।